देखिए, मैं पिछले 4 साल से हेल्पिंग हैंड्स के साथ काम कर रहा हूँ, खास करके जब से मेरी बीवी प्रेग्नेंट हुई, व्हेन आई रियलाइज दैट आई मायसेल्फ वाज गोइंग टू बी अ फादर। देखिए, बड़ी दुख की बात यह है कि इन आवर कंट्री वेरी ऑफन पीपल कैन नॉट अफोर्ड कैंसर ट्रीटमेंट। बहुत लोग अपना कैंसर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि इनके पास फंड्स नहीं होते, इनके पास पैसे नहीं होती है, उनके पास रहने की जगह नहीं होती है। लोग हमारे शहर में आते हैं, सड़क पे रहते हैं, रात गुजारते हैं और बीच में वो ट्रीटमेंट छोड़ के वापस चले जाते हैं। दैट इज़ अ हॉरिबल हॉरिबल थिंग एंड हेल्पिंग हैंड्स बीन वर्किंग फॉर मेनी ईयर्स ट्राइंग टू चेंज दिस। वो लोगों को अकोमोडेशन दिलवाते हैं, वो लोगों को दिन के 3 मील्स दिलवाते हैं, दे ऑल्सो प्रोवाइड फंडिंग फॉर द ट्रीटमेंट इट सेल्फ। पिछले 4 साल से हम काम कर रहे हैं, इस साल एक खास नई इशू को हम रेज करना चाह रहे हैं और वो है गर्ल चाइल्ड का ट्रीटमेंट। यू आर राइट, आज के ज़माने में आप किसी कॉज, किसी मुद्दे को जितना ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा विजिबिलिटी दिलवा सकते हैं, इट डज मेक अ डिफरेंस। लेकिन दैट बीइंग सेड, आई फील दैट इट इज़ नॉट अवर ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनीवन। एवरीवन मस्ट डू व्हाट दे बिलीव इन एंड एवरीवन मस्ट डू व्हाट दे फील स्ट्रॉन्गली अबाउट। अब मेरी एक छोटी बेटी है, आई एम द फादर ऑफ अ डॉटर। जब मैं सुनता हूँ कि लोग अपनी बेटी का इलाज करने को तैयार नहीं है, मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है। ये बात मेरे दिमाग में बैठती नहीं है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। सो आई फील देन ड्रिवन दैट आई हैव टू गो आउट एंड आई हैव टू चेंज पीपल्स माइंड्स। फॉर मी इट्स अ पर्सनल इशू। जी हाँ, इस वक्त मैं अपने एक पर्सनल प्रोजेक्ट के साथ बहुत बिजी हूँ, बट दिस इज़ नॉट रियली द प्लेटफॉर्म टू डिस्कस दैट। आई फील इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट द फिल्मी बॉलीवुड स्टफ, दैट इज एंटरटेनमेंट, दैट इज फन, एंड दैट इज समथिंग दैट वी डू। आई डोंट लाइक टू ब्रिंग दैट इनटू द अरेना वेयर वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक चिल्ड्रन हु आर डाइंग बिकॉज पीपल आर नॉट विलिंग टू ट्रीट देम बिकॉज ऑफ देयर जेंडर। इट्स रिडिक्यूलस टू हैव द सेम कन्वर्सेशन इन द सेम प्लेस। I am. I'll talk about that in the front page of some tabloid, no? Thank you guys.